की आम सी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बैठने का रेंट जो है वो 100 रुपये है, 1 चपाई का। के लिए माये तैयार हो जी। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम हरनोई के मुकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी रश है, आज संडे का दिन है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि छुट्टी है। और दूसरी बात यह है कि ये अब्बोटाबाद का करीब तरीन इलाका है। मेरा ख्याल है हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं और अब्बोटाबाद के शहरी यहाँ पर शाम को आ जाते हैं। और बहुत अच्छा मौसम है, इस वक्त जून का महीना है लेकिन काफ़ी ठंड हुई है, यहाँ पर हवा चल रही है क्योंकि ये वाला एरिया जो दौड़ का एरिया है ये खुला है, पहाड़ों के दरमियान एक टनल सी बनी हुई है और इसमें हवा बड़ी तेज़ चल रही है, यहाँ पे गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पानी के अंदर चरपाइयाँ लगी हुई हैं और लोग इस पे बैठे हैं। पकौड़े, चाय, हर सर्विस यहाँ पे चरपाइयों पे मिलती है आपको। काफ़ी दूर दूर से विजिटर आए हुए हैं, तो हम पूछते हैं किसी से कि कैसा लग रहा है आपको। हमारे साथ एक भाई खड़े हैं। जी तो भाई, आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा ताल्लुक श्री बलोचिस्तान से। हम ये सुन के आए हैं कि यार अब्बोटाबाद के करीब एक करीबी पिकनिक पॉइंट है जो कि बहुत ही ठंडा होता है। फिर हमने कहा कि चलो हम लोग इधर आके जो है ना इन्जॉय करते हैं। जब यहाँ आए तो वैसे तो जून का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ से ऐसा महसूस होता है कि जैसे दिसंबर की सर्दी हो, लोग इन्जॉय कर रहे हैं और हम भी इन्जॉय कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि हम एक जन्नत की वादी में आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपको अगर दोबारा मौका मिले तो यहाँ पे आएंगे? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह, और उम्मीद तो यही है कि मैं हर साल यहाँ आया करूँगा और अभी भी बहुत इन्जॉय करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ मज़ीद उनको भी हम बताएंगे कि यार एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है, आप लोग भी यहाँ आएँ, इन्जॉय करें गर्मियों को। बहुत शुक्रिया। ये लड़का बर्फ़ का गोला बना रहा है, आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से बर्फ़ का गोला बनाता है। चीज़ देख के बहुत अफसोस हुआ है, लोग आते हैं टूरिस्ट और यहाँ पर मुख्तलिफ फल वगैरह खा कर और छिलके और गुठलियाँ इधर ही फेंक देते हैं, और जिसकी वजह से इस खूबसूरत जगह का हुस्न-ए-माद पड़ गया है। अब आप देखें कि ये इस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतनी खूबसूरत जगह का हुस्न ख़राब कर रहे हैं। चरपाई पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये चरपाई आम सी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सिर्फ बैठने का रेंट जो है वो 100 रुपये है एक चरपाई का। अगर आप ज़्यादा बंदे हैं, 2 चरपाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है आपको बैठने का रेंट 200 रुपये देना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर चरपाइयों पर आप बैठेंगे तो उसका रेंट है। तो ये 100 रुपये की मंडी पर मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने इसका रेंट नहीं दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पर लड़का आने वाला है, उससे आने से पहले मैं ये आगे उठता हूँ, नहीं तो वो 100 रुपया मुझ पर चार्ज कर लेगा। अभी शाम का वक्त हो चला है, लेकिन अभी भी देखें ज़रा मेरे पीछे, ज़रा कैमरा मैन दिखा दे, काफ़ी सारे बंदे आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं और काफ़ी रश है इस वक्त। पहले मैंने आपको बताया था कि आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रश होता है। वैसे रोज़ाना गर्मियों के सीज़न में रोज़ाना ही यहाँ पर काफ़ी रश होता है, क्योंकि ये जो रोड आप पीछे जा रहा है ये सीधा नथ है, गली मरी अयोध्या, ये सारा वही रोड है। और जो लोग भी मरी जाते हैं या मरी से वापस आते हैं तो वापसी पर यहाँ पर स्टे ज़रूर करते हैं। इस वजह से ये मकाम जो है वो ये समझ लें कि ये गलियात का आखिरी मकाम है। इसके बाद शहरी आबादी शुरू हो जाती है अब्बोटाबाद की, तो यहाँ पर सारी फैसिलिटियाँ भी सारी हैं, खाने पीने का हर सामान यहाँ पे मिल जाता है, और क्योंकि पानी बहुत नज़दीक आ जाता है रोड के, इस वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके स्टे करते हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर भी जगह कम पड़ जाती है, रश इतनी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जी, तो व्यूअर इस वक्त यहाँ पे हमें एक भाई मिले हैं और इनके पास एक स्टेक है, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत मुनफरद किस्म की स्टेक है। ऊपर इसके मोर बना हुआ है और नीचे सांप की तरह ये बाल खा रही है। हाँ, ये एक ही पीस लग रहा है। तो इनसे पूछते हैं जी, ये आपने भाई कहाँ से ली है? ये जी पुरानी लकड़ी की बिहार की लकड़ है, वो मुझे मिली है कहीं से लकड़ी। अच्छा, तो उसकी ये मैंने बना दी। अच्छा, ये आपने खुद अपने हाथों से बनाई? जी जी जी, इसमें कोई मशीन यूज़ नहीं हुई, कोई ब्रिगमाल की और चाकू और छुरी से हाथ की मदद से इसको तैयार किया। तो ये ऊपर भी जो मोर बना हुआ है, ये भी आपने खुद बनाया? ये भी मैंने खुद ही बनाया था। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी भाई की, बहुत अच्छी काविश है। अच्छा, तो नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त इधर लोकल फनकार भी मौजूद हैं, ये यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि इनसे भी थोड़ा बहुत म्यूज़िक से भी आपको महसूस करें। और ये जो रवायत है ये आजकल ख़त्म हो रही है, हारमोनियम वाली और तबले वाली, लेकिन हमारे भाइयों ने इसे ज़िंदा रखा हुआ है। ऐसे लोगों की भी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये मज़ा आएगा। सोरे बंदे हसकूल रहंदे ते बदल अपना असूल वेंदे, ओ ते कर दिल तालिम हासिल साढ़े ठिके फजूल वेंदे। क्या बात, दो पत्थर से तू था दे, दो पत्थर से तू ता दे आशिका दे कल कपड़े ओ लंबे वाल मशूका दे, चिट्टा चोला सिरे धरती नहीं भुलेंदा चोले की मर्जी, चिट्टा चोला सिरे धरती नहीं भुलेंदा चोले की मर्जी नहीं भुलेंदा। चिट्टा चोला लाई किनारी, चिट्टा चोला लाई किनारी कच्ची निकली है ढोले दियारी, कच्ची निकली है माये दियारी, हो चिट्टा चोला सिले धरती नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। बात होवे आसमानी में बात होवे ओ सजना नु कंद करिए अल्लाह पाक नाराज होवे, तांगे दी गदियां ने ओ मार के की कुछ लाए सटा किथे लगियां ने, चिट्टा चोला मैं साम रखसा, चिट्टा चोला मैं साम रखसा कई ताई मैं तेरी तांग रखसा, कई ताई मैं तेरी तांग रखसा, चिट्टा चोला सीधे धरती रोटी खा ली लंगर दी, ते चलो सजनों गड्डी पड़ी शाबाश कलंदर दी, उठो री दो शकील भाई, उठो री शकील भाई यो जावे कलंदर तलुवे सहर है शामे कलंदर, तलुवे सहर है शामे कलंदर, उठो री दो तलुए सर है शामी तलुए तांडरा प्राणा कलंदर। इस दर पे झूमे लाचे, इस दर पे झूमे लाचे, हर रात को चांद सितारे ओ सितारों का हर शाम में दलूबे सर।